सीबीएसई दशम और द्वादश परीक्षा को नहीं बहुत बड़ अपडेट रही जहाँकि परीक्षा बातिल होइनि कि घुंची ना तारीख। कोरोना संक्रमण बढ़ुवर उभय श्रेणीपाई परीक्षा केन्द्र को 40-50% वृद्धि करा तो कौन रही संपूर्ण डिटेल से भिडियो आपण बताइबी। ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे अल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लाटेस्ट इनफर्मेसन रहा सर्वप्रथमे पाई। तो देखो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई द्वारा परिचालित दशम और द्वादश श्रेणी परीक्षा निर्धारित समय परीक्षा बातिल हेबो ना कि तारीख घुंचिबो ना मे मास 4 उभय श्रेणी परीक्षा ऑफलाइन रे करा जीव बुली सूचना रही एणसी परिवर्तन करा जाए ना। गणमाध्यम को सूचना दे सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड अधिकारी माने कहिसंती जे COVID-19 रो द्वितीय पर्यायर छात्र छात्री मानू कोरोना मुक्त रखा लगी समस्त प्रकार व्यवस्था हो सामाजिक दूरता रक्षा सहित सानिटाइजर और मास्क बाध्यतामूलक संक्रमण बढ़ुवर उभय श्रेणीपी परीक्षा केन्द्र संख्या 40% को वृद्धि होता सूचना रही। तो यह पूर्व जो छात्र छात्री कोरोना आक्रांत हो प्राक्टिकाल परीक्षा दे पारे ना से आउ थे सुजोग मिले सूचना रही। सूचना अनुजाई देश में कोरोना संक्रमण बढ़ुवर गत 2 दिन है सीबीएसई समेत अन्यान्य बोर्ड परीक्षा बातिल करने को ट्विट्रे एक ट्रेंड आरंभ हो सारा देश लक्षाधिक छात्र छात्री एमिल हो परीक्षा बातिल करने दाबी करतेक अनलाइन परीक्षा करने प्रस्ताव रखिंट मात्र सीबीएसई कर्तृपक्ष दाबी को खारज कर निर्धारित समय ऑफलाइन परीक्षा पर स्पष्ट करी सूचना रही जहाँकि सीबीएसई दशम और द्वादश पिलांग पाई एटा गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट न्यूज थिला। थैंक यू।